हेलो दोस्तों, मैड गेम ट्रिक्स हियर। अगर आपने रिसेंटली फोर्टनाइट खेलना शुरू किया है पर आप उसके बेसिक्स के बारे में नहीं जानते हो तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। तो ये आज का वीडियो बस मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। आई हेट दिस चैनल नाउ नाउ दैट्स बिकॉज़ आई केयर अबाउट यू माय फ्रेंड। Hey guys, Mad Game Tricks here. Welcome back to my channel. So I am here with you with another tutorial video. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरिना के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में. So stay tuned. तो इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएं, मैं आपको बता दूं कि एरिना क्या होता है. तो गाइज, एरिना एक ऐसा मोड है जिसमें प्लेयर्स आपस में कम्पीट करते हैं. अगर आप इस मोड में ग्राइंड करोगे तो आपको मेजर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है, जिसमें रियल प्राइज मनी आपको मिल सकता है गाइस। सो जितना एक्साइटिंग और मजेदार यह साउंड करता है, उतना ही कॉम्पिटिटिव और हार्ड मोड है ये। इस मोड को आप सोलो, डुओज और ट्रियोज में खेल सकते हो। इस मोड में टोटल 10 डिविजन्स हैं। तो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट दिस मोड, आप ओपन लीग डिविजन 1 में होते हो। ओपन लीग डिविजन 1 में मतलब फर्स्ट स्टार्ट 3 डिविजन्स में आपका बस फेयर कट नहीं होगा। ओपन लीग डिविजन 4 के साथ साथ उसके बाद जो डिविजन्स है उसमें आपका बस फेयर 10 से कट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप चैंपियंस लीग डिविजन 3 में चले जाओगे तब आपका बस फेयर 70 से कटेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको मैप, बिल्ड मैकेनिज्म, गेम मैकेनिज्म, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा। सो इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने एक फोर्टनाइट एजुकेशनल नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो वॉच इट फर्स्ट। सो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैंडिंग स्पॉट चूज करना। एरेना के लिए हमेशा ऐसा लैंडिंग स्पॉट चूज करो जहाँ आपको अच्छा लूट और अच्छी मटेरियल्स मिल सके बिफोर यू टेक एनी फाइट। सो ऐसी लोकेशन चूज करो जहाँ आप कम से कम एनिमी लैंडिंग होने के चांसेस हो। आई सजेस्ट यू टू एटलीस्ट हैव 3 to 4 ऑप्शंस एज योर लैंडिंग स्पॉट्स। बस आपको अच्छी लूट और मटेरियल्स पे फोकस करना है और एनिमी के साथ अर्ली फाइट्स लेना अवॉइड करना है। सो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मूवमेंट एंड रोटेशंस। सो अगर आप जोन से बहुत दूर लैंड होते हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जोन में जल्द से जल्द कैसे जाए। तो सीजन 3 में एक्चुअली बहुत सारे रोटेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें आता है हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, लॉन्च पैड्स, क्रैश पैड्स, क्या कुछ नहीं है, बहुत बहुत कुछ है। और तो और अगर रिवर का डायरेक्शन भी जोन की तरफ होगा तो आप स्विम करके भी जा सकते हो। एक्चुअली बोट्स एंड हेलीकॉप्टर्स यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उससे एनिमी को आपका पोजिशन पता चलता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नॉइज होती है। सो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किल्स एंड प्लेसमेंट। एरिना में आपको हर एक किल के बाद 7 पॉइंट्स मिलते हैं। एरिना ट्रियोज में अगर आप टॉप 8 में आओगे तो आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। सो इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टीम वेदर टू गो फॉर एलिम्स और फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट्स। वी एज अ टीम ऑलवेज गो फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट्स बिकॉज जीतने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जैसे आप हायर लीग्स में जाओगे आपको यही देखने को मिलेगा कि सब टीम प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स इजीली मिलते हैं। तो बात करते हैं एंड गेम के बारे में। लोअर रैंक में यूजुअली नॉर्मल टीम वर्सेस टीम फाइट होती है, बट जैसे ही आप हायर लीग्स में जाओगे आपको एक्चुअल स्किल यूज करके एनिमीज को आउटप्ले करना पड़ता है। इसमें हाई ग्राउंड लेना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे आपको एलिमिनेशन इजीली मिल सके। आई नो इट एक्चुअली टेक्स टाइम टू नोटिस व्हेन टू टेक द हाई ग्राउंड। सो प्ले मोर एंड विन मोर गाइस, दिस इज द मंत्र फॉर यू। नाउ वॉच मी क्लचिंग दिस विक्ट्री रॉयल। दिस इज टू प्रोटेक्ट मिसेल्फ फ्रॉम द स्टिंक बॉस। इधर है बंदे। ये मेरे पे
इधर आ गया। I'm sneaky. लॉन्च करना है क्या? एक नंबर भाई। अरे कौन से? मारा अंदर वाले गिरा क्या? इधर इधर भाई क्या मारा इसको? नॉक अरे यहां पे बहुत सी ब्रो चॉइस है। एक नॉक हुआ है एक्चुअली क्या मारा गोल मापी स्किप से बैक साइड 33 हमें इधर इधर आ जा इधर आ जा रुक रुक आराम से बोला आराम से कहां से मारो एंड गेम भी खेल सकते हैं शायद आप मेडिकेट। अरे स्नाइप अच्छा कर ना भी बोला स्नाइप अच्छा कर बहुत नॉक हो गया वो तो गोल्ड ये चार्ज है इसका गोल्ड चार्ज जाने जाने हो जाएगा मिल जाएगा अंदर जा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आपने को स्नाइप कर रहा था सिरेस को मारा था। If this video is helpful to you, then please like and comment, please. और सब्सक्राइब करना मत भूलना।